दोस्तों नमस्कार, मैं दावे से कह सकता हूँ पति का बहुत अच्छा समय आने से पहले औरत 5 नेक काम करती है जिससे पति पल भर में माला माल हो जाता है। पति का बिजनेस कई गुना तरक्की करता है, उसे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों एक नारी अगर चाहे तो पुरुष को बर्बाद कर सकती है और अगर नारी चाहे तो पुरुष को रंग से राजा बना सकती है। एक नारी घर को बनाती है और बिगाड़ती है, लेकिन जब कोई नारी अचानक से 5 काम करने लगे तब उसका पति माला माल हो जाता है। माता लक्ष्मी स्वयं इनके घर पर अपना वास बना लेती है। सुख समृद्धि धन चुंबक की तरह खिंचा चला आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1, जो महिला अचानक से सुबह सूर्योदय से पहले जल्दी उठने लगी हो, घर की साफ सफाई में उसकी रुचि बढ़ गई हो, जिम्मेदारियों को निभाने लगी हो, तो वह महिला ईश्वर की कृपा पा लेती है और उसका पति कोई भी कार्य कर ले सफल जरूर होता है, क्योंकि इनके साथ स्वयं महालक्ष्मी खड़ी होती है। दोस्तों नंबर 2, अचानक से ईश्वर में आस्था रुचि बढ़ जाना। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कोई नारी सच्चे दिल से पूजा पाठ में लीन हो जाती है तब वह समस्त देवी देवताओं की कृपा पा लेती है। ऐसी नारी के साथ स्वयं महालक्ष्मी होती है। ऐसी नारी का पति पल भर में धन से माला माल हो जाता है, उसका व्यापार कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों नंबर 3, अचानक से जो महिला बड़ों का मान सम्मान करने लगी हो, वह अपने मुख से मीठा बोलने लगी हो, लोगों का उसके मीठे बोलों से आकर्षित होना, उसके हृदय में ममता का वास होना, तो वहाँ पर अस्थाई रूप से माता सरस्वती वास कर लेती है। ऐसी महिला का पति कई ऊंची बुलंदियों को छू लेता है। ऐसी महिला के दर्शन करना भी किसी चमत्कार से कम नहीं है। दोस्तों नंबर 4, अचानक से सुबह के समय पति के पांव दबाने लगी हो। बताया जाता है कि पुरुष के पैर से लेकर पिंडली तक का जो भाग होता है वह शनि देव का होता है, और वहीं स्त्री की कलाई से उसकी उंगली तक का जो भाग होता है वह शुक्र देव का होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति अवश्य होती है। इसीलिए जब स्त्री अपने पति के पैरों को दबाती है तो उस समय धन का एक ऐसा योग बन जाता है कि आप मालामाल हो जाते हैं और आपको कभी भी धन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसी कारण महालक्ष्मी विष्णु जी के पांव दबाती हैं। दोस्तों नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं, अचानक से जिस स्त्री की इच्छाएं सीमित हो जाती हैं, तब घर में उसी क्षण महालक्ष्मी का वास हो जाता है और ऐसी स्त्री का पति धन दौलत रुतबे पैसे से मालामाल हो जाता है, मिलता है मान सम्मान, क्योंकि जहां पर इच्छाएं सीमित हो वहां पर दौलत का वास हो जाता है। दोस्तों माता लक्ष्मी को अपने घर पर कौन नहीं बुलाना चाहता। अगर आप माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माँ के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।